नमस्ते क्या हाल है आप सबके। शिक्षा होंगे और मजे में होंगे। तो आज हम आप लिए जिस वीडियो पर रिएक्शन लेके आए, सबसे पहले मैं आपको इसका टाइटल बताती जाती हूँ। इसका जो टाइटल है जी, आज हम वीडियो देखने वाले हैं 12 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वरुण धवन एंड मथुरा। तो इसके बारे में जो वो कहते हैं ना, वो सीक्रेट्स जो हैं, तो आज हम इस वीडियो में वो जानेंगे। आई होप सो ये वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, इसलिए एंड तक क्लास में देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर नाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड गो। वृंदावन और मथुरा हमारे श्री कृष्ण की वह जन्मभूमि जहां बाल गोपाल ने कई प्रकार के चमत्कार किए, और वो जगह जहां की गलियों में आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी के गुणगान गाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल और अनुज बकेट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृंदावन और मथुरा के कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्य जो आपने शायद कहीं नहीं सुने होंगे। तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखना, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। नंबर 1, वृंदावन का नाम। ये जो बने हैं आप लोग देख रहे हैं, इस वन का सबसे पहला नाम है वृंदावन। तो वृंदा तुलसी को बोलते हैं वन जंगल को, तो नाम वृंदावन। आज से 6,500 वर्ष पहले वृंदावन ऐसा 10 किलोमीटर का बन हुआ। वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब जंगल। ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 6,500 साल पहले वृंदावन यानी कि तुलसी का वन यहां तकरीबन 10 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ था, जो कि अब सिर्फ वृंदावन के निधिवन में देखा जा सकता है। नंबर 2, भाई बहन का स्नान। कार्तिक में बहन भैया नहीं नहाते, भैया दोस्त के स्नान बोलते हैं। दीपावली में इधर ही स्नान होता है। नहीं, जमुना मैया ने भाई से वरदान मांगा है, वो कार्तिक की भैया दोस्त के दिन बहन भैया हाथ पकड़ के विश्राम पाठ में स्नान करेगा, वो तेरे लोक में नहीं जाएगा। तो जमराज घबरा के बोला, बहन मेरे लोक से खाली चला जाएगा, पापी भी आएगा, जब फंडाते हो रहे हो जाएगा। एक दिन का ऐसा मेला होता है, भैया दोस्त हो जाती है दीपावली के बाद, इधर बहन भैया आके इधर स्नान करते हैं और बहन भैया को तिला लगाती है। मथुरा में एक विश्राम घाट है जो कि एक बहुत ही पूजनीय स्थान माना जाता है, जहां पे देश विदेश से लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। विश्राम घाट की ये मान्यता है कि भैया दूज के समय अगर भाई और बहन यहां आके स्नान करें तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और इसी वजह से इस घाट पे भैया दूज के दिन बहुत भीड़ होती है। नंबर 3, पंचमुखी शिवलिंग। पंचमुखी का दर्शन शंकर परमार, इनकी क्या महत्व है? शंकर जी की पूजा करते हैं सूर्य आदमी में, ठाकुर जी को जल पर चढ़ा दिए, जल लेते ठाकुर जी को जल चढ़ा दिए, मिलेगी ना। आपने अवश्य ही अपनी जिंदगी में शिवलिंग के दर्शन कभी न कभी जरूर किए होंगे, लेकिन मथुरा के विश्राम घाट में पंचमुखी शिवलिंग स्थापित हैं, जिनके शिवलिंग पे एक नहीं बल्कि 5 मुख वाले शिव जी विराजमान हैं। नंबर 4, यमुना माता। कृष्ण भगवान जी, दोनों का दर्शन है, कृष्ण जी की चौथी पठरानी है यमुना जी। भगवान हमारे द्वारे ब्रज में लौट के आए हैं, तो यहाँ यमुना जी से तपस्या कर रहे हैं, तो यहाँ तप करती हुई यमुना जी मिली, तो यमुना जी से उनका मिलन हुआ, मंदिर है इसका नाम मिलन हुआ। मिलन मंदिर। यमुना जी जो कि मथुरा और वृंदावन से होते हुए गुजरती हैं और जिन्हें हम माता के रूप में पूजते हैं, वह हमारे श्री कृष्ण की चौथी पठरानी थी। जब कृष्ण जी ब्रिज में लौट के आए तब उनका यहाँ यमुना जी से मिलन हुआ, और इसी वजह से मथुरा में उस जगह पे एक मंदिर की स्थापना की गई जिसका नाम है मिलन मंदिर। नंबर 5, बंसी चोर। बंसी चोरी का दर्शन वृंदावन में भगवान कृष्ण हुए माखन चोर। भगवान ने गोपियों का माखन लूटा अपने लिए नहीं, अपने ब्रजवासी ग्वालों के। भगवान के यहाँ माखन की कमी नहीं थी, 9 लाख गाय थी, गोपियों का माखन खाते थे। किस भाव से? उनका 2 भाव था, पहला तो ग्वालरों का ब्रजवासियों का पेट भरना था, माखन खिलाना था, दूसरा प्रेम का माखन गोपियों का लूट के खाना था। भगवान कृष्ण ने माखनों की चोरी की, राधा जी नाराज हूँ, कृष्ण हमारी गोपी को सताते हैं तो हम भी कृष्ण को सताएंगे। राधा जी ने ललिता विशाखा से बोल के भगवान कृष्ण की बंसी मुकुट पायल को चोरी कराया, वही ललिता विशाखा ने बंसी मुकुट लाकर दिया। राधा जी ने वन के अंदर कृष्ण रूप लेके यहाँ बंसी बजाई, सखियों को दर्शन दिया। भगवान कृष्ण राधा जी को देखकर कहने लगे, चोर चोर बंसी चोर, वृंदावन धाम में राधा रानी बंसी चोर। जैसे हम सबको पता है कि कृष्ण जी माखन चुरा के खाते थे, तो एक दिन राधा जी को कृष्ण जी पे गुस्सा आया और उन्होंने कृष्ण जी को सबक सिखाने के लिए उनकी बांसुरी चुरा ली, और इसी वजह से वृंदावन के निधिवन में एक बंसी चोर राधा रानी का मंदिर है, जहां पर आपको राधा जी कृष्ण जी की तरह बांसुरी बजाते हुए दिखेंगी, और उसी वजह से उस मंदिर का नाम पड़ा है बंसी चोर राधा रानी। नंबर 6, दुर्भाषा ऋषि। सभी ऐसे देवता हैं जो किसी पर कृपा नहीं, एक केवल कृष्ण भगवान ऐसे कृपा
और अब जानते हैं दुर्वासा ऋषि जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते थे। केवल यमुना जी की सखियां थी जिन्होंने की एक दुर्वासा ऋषि जी का 81 वर्ष के व्रत तोड़ा है 56 मुखला में, वरना दुर्वासा ऋषि तो बहुत क्रोधी और डूबा है, डूब का आहार करने वाले, तो बात बात पर क्रोधित हो गए, श्राप दे दे, श्राप दे दे। दुर्भाषा ऋषि जो कि शंकर जी के अवतार थे, ऐसा माना जाता है कि वह अपने अधिक क्रोध के कारण जाने जाते थे। दुर्भाषा ऋषि जी सतयुग, द्वापर युग और त्रेतायुग में एक प्रसिद्ध ऋषि माने जाते थे। दुर्भाषा ऋषि जी ने कभी किसी देवता पे कृपा नहीं करी, सिर्फ श्री कृष्ण जी ही ऐसे देवता हुए जिन पे दुर्भाषा ऋषि जी ने कृपा करी थी। दुर्भाषा ऋषि जी का एक आश्रम और मंदिर मथुरा में भी स्थित है, जो कि आप विश्राम घाट से नाव में बैठ के यमुना नदी के दूसरी तरफ पहुँच कर दर्शन कर सकते हैं। नंबर 7 रासलीला। ये भगवान का नित्य स्थान रास मंडल है। इस जगह भगवान राधा कृष्ण कन्हैया आके बीच में रास रचाते हैं। ये वृक्ष गोपी कृष्ण मंदिर ऐसे ही भगवान का महाराज द्वापर में 16108 गोपियों के साथ में हुआ था। उस महाराज को देवी देवताओं ने देखा था। वृंदावन के निधिवन को हम सब जानते हैं और निधिवन वो जगह है जहाँ पर तुलसी माता का वन है, और निधिवन की यह बहुत बड़ी मान्यता है कि आज भी कृष्ण जी हर रात यहाँ आते हैं और राधा रानी और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। माना जाता है कि निधिवन में जितने भी तुलसी के पेड़ हैं, वह दिन में तो पेड़ होते हैं लेकिन रात को वह गोपियों में बदल जाते हैं। निधिवन के पंडित हर रात निधिवन का श्रृंगार महल सजा के रखते हैं। हर सुबह उन्हें वो महल इस्तेमाल हुआ हुआ मिलता है और निधिवन का यह रहस्य पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। नंबर 8 84 कोस की यात्रा। निधिवन 84 कोस की यात्रा इधर चालू होती है। जी परिक्रमा कभी आते हैं 84 कोस की यात्रा चालू होती है। अच्छा 84 कोस वाली जो है ना उसकी चालू होती है। अच्छा यहीं से शुरू होती है। हाँ भादो महीने में। भादो महीने में तो वो जो गोवर्धन की गोवर्धन की परिक्रमा 84 कोस लंबे पर लगाना पड़ता है। उसमें खाना पीना भी अपना खुद लेके जाते हैं। 40 दिन की यात्रा होती है। 84 कोस की यात्रा 40 दिन की होती है। वो यहीं से शुरू होती है या विश्राम घाट से? भादो महीने में 11 के दिन। 11 के दिन भागो महीने में। ब्रिज की 84 कोस की यात्रा के बारे में हम सब जानते हैं। मथुरा में हर साल एक 84 कोस की यात्रा आयोजित की जाती है और इस यात्रा की शुरुआत मथुरा के विश्राम घाट से होती है। लोग विश्राम घाट में आके सबसे पहले यमुना जी की पूजा करते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं, फिर मधुवन और तालवन होते हुए जाते हैं। यह यात्रा लगभग 84 कोस लंबी होती है। नंबर 9 कृष्ण जन्मभूमि। कृष्ण जन्मभूमि जिसे आज मंदिर बना दिया गया है, वह पहले कंस का कारागार था जहाँ पर कंस ने अपनी बहन जानकी और जीजा वासुदेव को कैदी बना रखा था और उसी कारागार में जन्म लिया था भगवान श्री कृष्ण ने, और इसी वजह से कृष्ण जन्मभूमि देश विदेश में बहुत लोकप्रिय है। इस मंदिर में आपको वह कारागार देखने को मिलेगा जहाँ पे कंस ने अपनी बहन जानकी के 6 संतानों का वध किया था और वो जगह जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। नंबर 10 गोपेश्वर महादेव। भगवान शंकर कैलाश को छोड़ के वृंदावन भूमि में आए तो यहाँ की गोपियों ने देख के भगवान शंकर से मना किया कि आपका कोई महत्व नहीं, आप तो संत पुरुष हो, पुरुष केवल एक कन्हैया है, बाकी का दूसरा कोई पुरुष नहीं आता है, आपको दर्शन प्राप्त नहीं, यहाँ गोपियों को दर्शन प्राप्त है। शंकर जी निराश हुए, बलराम जी से कामना की कि आप तो यहाँ के राजा, मेरे को कृष्ण का दर्शन प्राप्त कराओ। बलराम जी ने यमुना माता से बोल के भगवान शंकर को साड़ी पहना के श्रृंगार करके भेजा। लेडीज रूप में जब भगवान शंकर आए, गोपियों ने नहीं पहचाना। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के देखकर बोले कि आओ गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर का नाम लेने से राधा जी नाराज हो गई। भगवान शंकर को कृष्ण जी ने निमंत्रित कराया, रास करने के बाद वृंदावन वास दिया। वृंदावन भगवान शंकर गोपी रूप में पूजे गए, नाम गोपेश्वर। ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण निधिवन में हर रात रास लीला रचाने आते थे, तब एक दिन शिव जी गोपियों का रूप लेकर निधिवन आ गए कृष्ण जी के दर्शन करने, और उस दिन कृष्ण जी ने शिव जी को देखते ही पहचान लिया और उनका नाम रख दिया गोपेश्वर महादेव, और तभी से शिव जी का नाम पड़ा था गोपेश्वर महादेव। और गोपेश्वर महादेव का एक मंदिर वृंदावन में भी स्थापित है जिसके दर्शन आप वृंदावन में कर सकते हैं। नंबर 11 केसी घाट। हिंदू पुराणों के अनुसार केसी घाट की यह कथा बहुत ज्यादा प्रचलित है कि केसी एक राक्षस का नाम था जिसका रूप एक घोड़े की तरह था, और कंस ने केसी राक्षस को भेजा था कृष्ण जी का वध करने, और इसी घाट के पास कृष्ण जी ने इस राक्षस का वध किया था, इसलिए इस घाट का नाम पड़ गया केसी घाट। नंबर 12 बांके बिहारी की मूर्ति। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, श्री बांके बिहारी मंदिर, जिसकी स्थापना तानसेन जी के गुरु श्री हरिदास जी ने की थी। बांके बिहारी जी की मूल रूप की पूजा की जाती है निधिवन में, और बांके बिहारी मंदिर में आपको श्री कृष्ण की बाल रूप में दर्शन होंगे, और जैसे एक बच्चे की देखरेख की जाती है वैसे ही बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जी की देखरेख की जाती है। जैसे एक बच्चा सुबह देर
तक सोता है वैसे ही ठाकुर जी भी सुबह देर तक सोते हैं। बांके बिहारी मंदिर में बाल रूप की सेवा की जाती है, इसलिए आपको पूरे मंदिर में कोई घंटी या शोर वाली चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि कोई भी बच्चा तेज आवाज से डर सकता है, इसलिए हमारे श्री कृष्ण के बाल रूप की आरती के समय भी घंटियां नहीं बजती। बांके का मतलब होता है टेढ़ा और बिहारी का मतलब होता है आनंद लेने वाला, इसलिए यहाँ पर आपको बांके बिहारी जी की मूर्ति गर्दन कमर और पैर पे से मुड़ी हुई मिलेगी। तो ये थी हमारी वृंदावन की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन और उसके बाद दबाएं घंटे का निशान, जिसके बाद आप क्लिक कर सकते हैं ऑल नोटिफिकेशन। और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ। और इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट कॉन्टेस्ट का सवाल ये है कि इन तथ्यों के अलावा अगर आपको लगता है हमारी लिस्ट में और भी कोई तथ्य होना चाहिए तो हमारे कमेंट में जरूर लिख के बताएं, और पार्टिसिपेट करें हमारे कमेंट कॉन्टेस्ट में, जिसके रिजल्ट हम हर महीने के पहले सैटरडे के लाइव सेशन में देते हैं। तो हमारी वीडियोस पे कमेंट्स करें और अटेंड करें हमारा लाइव सेशन, जो कि होता है हर महीने के पहले शनिवार को। इट वॉज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन, बी वेल, नमस्ते। जी तो हमारी जो वीडियो है वो खत्म हो गई, हम मथुरा के बारे में जान रहे थे यार। मथुरा जो है वो भूमि है राधे कृष्णा जी की, जहाँ पे बहुत सी स्टोरीज हैं और वहाँ पे स्पेशल मंदिर है यार। हमने काफी ज्यादा मूवीज के अंदर भी देखा हुआ है ना, मथुरा के अंदर बताया जाता है वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे स्पेशली बहन भाई जो है वो जाएं तो उनकी मुरादें पूरी होती हैं, है ना। इसके अलावा जो शिव जी की वो पांच फेसेस वाली वहाँ पे वो भी रखा हुआ है, उसको क्या कहते हैं यार, मुझे नाम नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं, आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो मथुरा के बारे में काफी ज्यादा है, मथुरा के रिलेटेड ड्रामे भी बड़े ज्यादा हैं, वहाँ पे काफी ज्यादा ऐसी रिलीजन बेस्ड जगह है जहाँ पे विजिट किया जाता है और बहुत लोग यात्रा भी करने आते हैं मथुरा के अंदर ना। हाँ मतलब काफी ज्यादा टूरिस्ट भी आते हैं, इंटरनेशनल लोग, मतलब इंटरनेशनल लोग कहते हैं ना कि जो बाहर से भी आते हैं वो भी आते हैं। और डिफरेंट मतलब मंदिर बताए जा रहे थे वीडियोस के अंदर, और ये भी बताया जा रहा था जहाँ पे यानी के जहाँ से वो कृष्णा जी लड्डू चढ़ाया करते थे उसके बारे में भी बताया जा रहा था, जहाँ तुलसी के पौधे लगे उनके बारे में बताया जा रहा। तो ये सारी जो मथुरा है ना, ये सारा राधे कृष्णा जी की मतलब वो यादों से भरा हुआ है ना, उनकी स्टोरी जो भी हमने सुनी भी है, और कहीं ना मतलब तो वो हर चीज में कहीं ना कहीं आपको हर कोने में मथुरा में ना हर कोने के अंदर आपको कुछ ना कुछ डिटेल मिलेगी, है ना, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ जानने के लिए मस्ट मिलता है। तो मतलब यहाँ वो बता रहे थे कि एक मंदिर है ना, वहाँ से यात्रा जो स्टार्ट होती है वो यात्रा काफी लंबी चलती है, वो बता रहे थे है ना वीडियो के अंदर। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सी वीडियो थी, मतलब हमें बहुत ज्यादा मालूमात मिली है। हाँ मथुरा के अंदर मतलब जो चीजें थी उनके बारे में डिटेल्स में उन्होंने बताया, सारा गाइड किया, तो काफी अच्छा लगा जान के ना। आई होप सो आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन पसंद जरूर प्रेस कीजिए, हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, बस इसी तरह सपोर्ट करते रहें और कमेंट करके लास्ट में बताएं हम नेक्स्ट किस वीडियो पे रिएक्शन दें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।